नमस्कार, आप देख रहे हैं INXLIVE.COM। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद और देश की फेमस कॉफी शॉप चेन कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव बरामद कर लिया गया है। वह बीते दो दिनों से लापता थे। उनका शव मंगलुरु में नेत्रावती नदी के नजदीक होयगे बाजार में बरामद किया गया। इससे पहले 27 जुलाई को उनका एक लेटर सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में बताया था। इस लेटर में उन्होंने कंपनी को हो रहे भारी नुकसान और कर्ज का भी जिक्र किया था। बता दें कि वीजी सिद्धार्थ सीसीटी के मालिक ऐसे ही नहीं बन गए थे। इसके पहले उन्होंने करियर के तमाम सेक्टर में अपने हाथ आजमाए थे। शुरुआत में सिद्धार्थ इंडियन आर्मी जाना चाहते थे, लेकिन मंगलुरु यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर करने के बाद उन्होंने मुंबई में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर भी हाथ आजमाए। वैसे आपको बता दें कि कॉफी के कारोबार में आने से पहले सिद्धार्थ की दिलचस्पी शेयर ट्रेडिंग में भी थी। साल 1984 में उन्होंने बेंगलुरु में सिवन सिक्योरिटीज के नाम से खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म लॉन्च कर दी। इस कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को सिद्धार्थ ने कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफी बागान से जुड़े एक स्टार्टअप में भी निवेश करना शुरू किया। वो एक ऐसे परिवार से आते थे जिसका पिछले 140 सालों से कॉफी उगाने का इतिहास रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस यानी कॉफी कारोबार में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। 1993 में उन्होंने अमलगमेटेड बीन कंपनी एबीसी नाम से एक कॉफी कंपनी शुरू की। इस वक्त इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 6 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल बढ़कर 2500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कैसे हुई कैफे कॉफी डे की शुरुआत? जर्मन कॉफी चेन शिवो के मालिकों से हुई बातचीत से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने भारत में भी खुद की कॉफी शॉप चेन खोलने का फैसला किया। आखिरकार 1994 में उन्होंने बेंगलुरु में कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी का पहला आउटलेट खोल दिया। उनकी टैगलाइन थी, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, यानी एक कप कॉफी के साथ जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। धीरे धीरे ये कॉफी शॉप चेन बढ़ती गई और दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि चाय के शौकीनों वाले उत्तर प्रदेश में भी इसकी ढेरों ब्रांचेस खुली। फिलहाल सीसीडी देश की सबसे बड़ी कॉफी शॉप चेन बन चुकी है। देश के 200 से ज्यादा शहरों में सीसीडी के 1750 कैफे हैं। यही नहीं, कैफे कॉफी डे की ब्रांचेस प्रागवे, वियना और क्वालालंपुर में भी हैं।